तुल्यम् निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मन्यावयो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरु नमयनम् श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ शान्ति। शरीरेषु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष विरमते तेन लभ्यः तस्यैषयात्मा विभ्रमते तनूं। नाविरतो दुश्चरितात् नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसोऽपि प्रज्ञानेनैन माप्नुयात्। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। चिंतामणि, जैसे निर्विकार रहता है, रोटी मांगो तो रोटी दे, चावल मांगो तो चावल दे, लड्डू मांगो तो लड्डू दे, नोट मांगो तो नोट दे, परंतु स्वयं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ज्यों की त्यों। इसी प्रकार परमात्मा में बिना कोई परिवर्तन हुए, बिना कोई विवर्तन हुए संपूर्ण प्रपंच प्रतीत हो रहा है। विश्वरूपैव चिंतामणिवत् अवभासते, चिंतामणिवत् विश्वरूप इव परमात्मा अवभासते अलमन्येन व्याख्यानेन। इसमें कुछ दो मणि हैं ऐसी व्याख्या न करके, एक विश्वरूप मणि है एक चिंतामणि है, और परमात्मा दोनों के समान प्रकाश हो रहा है ऐसी व्याख्या न करके चिंतामणिवत् विश्वरूप इव अवभासते। ये परमात्मा महाराज एक जगह बैठा रहता है बिल्कुल स्थिर, और दूर दूर तक यही है, क्योंकि इंद्रियों के विशेष ज्ञान के छोटा या बड़ा होने का इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं है। और शयानो याति सर्वतः, जिस समय संपूर्ण इंद्रियां सो जाते हैं उस समय भी देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ये आत्मदेव ही जागृत रहते हैं। अब जरा साधन साध्य की चर्चा विशेष रूप से और प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अब अगले मंत्रों में फल का भी वर्णन है और साधन का भी वर्णन है। वो कहते हैं कि ये जितने शरीर हैं इनमें एक शरीर रहित वस्तु है। देखो बल्ब हजार जल रहे हो, कोई लाल कोई पीला कोई हरा, तो बिजली सब में एक है। ऐसा कहीं पंखा चला रही हो, कहीं ठंडा कर रही हो, कहीं गर्म कर रही हो, कहीं रोशनी दे रही हो, कहीं आवाज को पकड़ रही हो, कहीं आवाज को बढ़ा रही हो। आवाज को बढ़ा रही है तो मुंह हो गई, और आवाज को पकड़ रही है तो कान हो गई, तो बिजली कहीं कान बन गई कहीं मुंह बन गई।
तो ये सब क्रिया बिजली में नहीं है, वो यंत्र में है, मशीन में है। और ये जो सकल सूरत है वो सब वो बिजली में नहीं है, मशीन में है। ये जो बल्ब में सफेद सफेद जो रोशनी दिखती है ना, रंगीन है ये भी, ये रंग है, ये जो रोशनी दिखती है ये बल्ब का रंग इसमें दिखता है। ये रंगीनी बिजली में नहीं है, जो बैटरी में पैदा होती है वो बिजली नहीं है, जो पावर हाउस में बन जाती है ना, उसकी शक्ति प्रकट हो जाती है, उसका नाम बिजली नहीं है। बिजली नाम का एक तत्व है जो सारी सृष्टि में व्यापक है। पंखे से हवा पैदा नहीं होती है, कमरे में जो हवा होती है ना, वो पंखा हिलाने से वही हवा लगती है। पंखा हवा को बनाता नहीं है, मौजूद हवा का ही स्पर्श करा देता है। इसी प्रकार ये पावर हाउस में बिजली बनती नहीं है, मौजूद जो पहले से मौजूद जो बिजली है, पानी में, गति में, हवा में जो बिजली मौजूद है उसको प्रकट कर लेते हैं काम करने के लिए। दिया सलाई के सींक में आग डाली नहीं जाती है, वो पहले से जो आग रहती है वो प्रकट हो जाती है। एक मैंने देखा किसी को सिगरेट पीने के लिए कोई एक उसके पास था, ऐसे झट दबाता था और है ना, हाँ हाँ हाँ, उसमें हर समय आग भरी नहीं रहती है, वो तो संघर्ष से आग प्रकट हो जाती है, आग तो पहले से ही मौजूद रहती है। अच्छा, ये लोग जो रोते हैं ना बहुत है ना, वो कोई तुरंत कोई घटना घटित होने से नहीं रोते हैं, उनके दिल में रोना भरा होता है तो मौका मिलने पर जाहिर हो जाता है ऐसा। हाँ, ये जो लोग हंसते हैं ये कोई प्रसंग आने पर हंसते हो सो बात नहीं, वो तो हंसी भीतर रहती है तो फूट पड़ती है। आदमी बोलता क्या है, कोई जबान बनाता गढ़ता थोड़े ही है आवाज को, तो पहले से मौजूद रहती है तो जाहिर हो जाती है। तो ये जो आत्मदेव हैं, परब्रह्म परमात्मा, ये सबके शरीर में पहले से मौजूद हैं। न वो पंखा है न बल्ब, न वो लाउड स्पीकर है न टेप रिकॉर्डर, भला ये तो सब मशीन है। न वो हीटर है न रेफ्रिजरेटर, ये सब मशीनें अलग अलग हैं। सांप एक मशीन, एक यंत्र है, वो बिच्छू एक यंत्र है, ये मनुष्य का शरीर एक यंत्र है, स्त्री का शरीर एक यंत्र है, पशु का शरीर एक यंत्र है। ये यंत्र कैसे हैं, ये टूटने फूटने वाले यंत्र हैं। शरीरे सु, देखो इसमें एक तो धात्वर्थ तो बताता है कि टूटने फूटने वाला है, बोला शीर जते इति शरीरम, जरा खून आना हाथ में बंद हो जाए लटक जाएगा, जरा कंट्रोल टूट जाए, देखो लोगों का हाथ लटका रह जाता है, पांव लटका रह जाता है, मशीन ही तो है। अब मैंने कपड़ा के मिल में देखा, और विज्ञान ने तो बड़ी भारी उन्नति की ना, वो कपड़ा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, उसमें से एक धागा टूट गया, धागा एक टूट गया हो और मशीन का चलना बंद हो गया, हजार धागे में से एक धागा टूटा और मशीन बंद, क्या बढ़िया बैठाया है। तो ये जब दिखाने के लिए ले गए थे हमको, पता नहीं कौन सेठ दिखा रहे थे, ये जुग्गीलाल कमलापत वाले पदम पर दिखा रहे थे कपड़ा कैसे बुनता है, तो एक सूत उन्होंने हाथ से पकड़ के अपने तोड़ दिया, तोड़ दिया और एक सूत टूटा और सारी मशीन बंद। अब जब तक वो सूत जोड़ा न जाए तब तक मशीन फिर नहीं चलेगी, इसका मतलब है बीच में कपड़ा बिगड़ नहीं सकता, कोई टूट जाए सूत, कोई इधर उधर हो जाए और कपड़ा बिगड़ जाए, ऐसा नहीं। तो ये जो हम लोगों का ये है ना वस्त्र, आप तो जानते ही हो बहुत बढ़िया वस्त्र है, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में इसको कपड़ा बताया है।
कपड़े के लिए दिल नहीं बिगाड़ना हो, दिल ज्यादा कीमती चीज है, कपड़ा कम कीमती चीज है। आजकल के लोग तो चाहे दिल बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, लेकिन कपड़ा ना बिगड़ने पावे, कपड़े का ख्याल ज्यादा रखते हैं। अगर पोशाक से मैच करता हुआ जूता न मिले ना रहे तो कलेजा कलेजा ही कलेजा मैच नहीं करता है, दिल मैच नहीं करता है उसका। तो अपने शरीर जो है, शरीर का धात्वर्थ क्या है, सूख जाने वाला। जैसे पीपल का पत्ता सूख जाता है, जैसे घर में पौधा होता है ना, कुमिला जाता है, सूख जाता है, वैसे जो अंत में सूख जाए उसका नाम शरीर जियते या तत् शरीरम, जो शीर्ण हो जाए, शीर्ण हो जाए, सूख जाए, सड़ जाए, बिगड़ जाए, उसका नाम शरीर। और शरीरेषु बहुवचन है, तो बहुवचन कहता है कि शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होता, और शरीर बहुत से होते हैं और आत्मा एक होता है। और शरीर चाहे जन्मे चाहे मरे, आत्मा आर है, क्योंकि वो अशरीर है, वो स्वयं शरीर से रहित है। आदमी को ये ख्याल ही नहीं आता हो कि हम शरीर से विलक्षण हैं। इसमें एक बहुत बड़ा सिद्धांत प्रकट किया गया है। शरीरेषु को दो तरह से आप ले, एक तो अनादिकाल से अब तक कितने शरीर पकड़े हैं और कितने छोड़ दिए हैं, है ना। और जैसे हमको याद करना पड़े ना कि अब तक हमारे कितने कितने चेले आए हमारे पास और गए, तो हम ध्यान लगा के भी सबकी याद नहीं कर सकते। और छूटने और पकड़ने का, आने और जाने का, और बिल्कुल एकदम ध्यान से नहीं हम जान सकते। ऐसे ये शरीर रूप चेला, ये चेला है, ये बढ़िया चेला इसलिए है कि हाथ से कहते हैं कि बेटा छाती पर आ जा तो आ जाता है, सिर खुजला दे तो खुजला देता है, पांव से कहते हैं कि चल तो चलता है, कहते हैं फैल जा तो फैलता है, समेटते हैं तो समेटता है। सबसे बढ़िया चेला तो यही है ना कि अपना हुक्म मानता रहे, है ना। जो हुक्म न माने सुकाय को चेला, वो तो चेला है ना, एक चेला एक चेला। चेला वो कहते हैं लकड़ी हो, जो जलाने की लकड़ी होती है उसको चेला बोलते हैं। और संस्कृत भाषा में ये जो कपड़ा है ना, इसको भी चेल बोलते हैं, चेल, जैसे कुचेल। लक्ष्मी को गंदा कपड़ा पसंद नहीं है, कुचेल होना पसंद नहीं है। तो ये शरीर देखो, एक हमारे पंडित जी थे वहां वृंदावन में, पंडित तुलसीराम जी उनका नाम, वो एक श्लोक बोलते थे, कुचेलिनम, जो गंदा कपड़ा पहनता है, और दंत मलोपधारिणम, दांत साफ नहीं करता है, और बहुवासिनम, खाता ज्यादा है, बहुवासिनम निष्ठुर भाषिणम च, और कटु बोलता है, सूर्योदय चास्तमिते च साइनम, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता है। बोले विमुंचति श्री ही, ऐसे पुरुष को लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। आप ही चक्र पाणे बोले कि अगर विष्णु भगवान भी ऐसा करने लगे हैं, तो जब उनके मुंह से दुर्गंध आवेगी, दांत नहीं साफ करेंगे और गंदा कपड़ा पहनेंगे, हैं, तो लक्ष्मी विष्णु भगवान को भी छोड़ सकती है, और की तो बात है क्या। कुचैलिनाम दंत मलोपधारिणम बहुवासिनाम निष्ठुर भाषिणम च, सूर्योदय चास्तमिते च साइनम, विमुंचति श्री रपि चक्रपाणि नारायण। तो ये शरीर जो है, शरीर नारायण, इसमें तुम अशरीर हो। इसमें एक सिद्धांत निकलता है, आभिमानिकमेव सशरीरत्वम्। ये जो हम अपने को शरीर वाला मानते हैं, ये केवल अभिमान है, माने झूठे ही अभिमान है।
अभिमान ऐसे होता है, देखो एक सेठ रहता है हिंदुस्तान में और उसकी संपत्ति रहती है विदेश में, लेकिन वो अपने को करोड़पति मानता है कि नहीं? तो संपत्ति है विलायत और तुम हो यहां, या संपत्ति है बैंक में तुम हो यहां है? संपत्ति महाराज किसी के घर में रखे आए, ये ब्लैक मार्केट वाले तो कभी कभी ऐसा रोते हैं। अब सरकार के साथ चोर नारी जिम प्रकट न रोई, प्रकट तो नहीं रोते ना, अपने किसी रिश्तेदार के घर में रख देते हैं महाराज, और बाद में वो मना कर देता है कि हम नहीं देंगे। तो जब तक वो मना नहीं करता है तब तक उनको अभिमान रहता है कि हमारे पास इतना है, विलायत में इतना है, लाकर में इतना है, बैंक में इतना है, अमुक अमुक दुकान में इतना है। जब तक है ना, महीनों पहले से गायब हो गई है, जिस दिन पता लगा उस दिन धोने लग गए। तो वो जो मालिक तना है वो अभिमानिक है, अभिमानिक है माने चीज अपनी न होने पर भी उसको अपना मान करके अपने में बड़प्पन का ख्याल जोड़ते हैं। ऐसे ये जो शरीर है, देखो न तो तुम्हारा पैदा किया हुआ है, तुमने पैदा नहीं किया तो तुम्हारा कैसा, न तो तुम्हारे जिलाए जीता है, न तुम्हारे रखे रहेगा, है तुम्हारा कुछ बस है? मत होने दो काले बाल को सफेद, मत टूटने दो दांत, कान और आंख में कीचड़ मत निकलने दो। अभिमानिक ही स्वत्व है शरीर पर, जो स्वत्व है कि ये मेरा है, जैसे गोद लिए बेटे पर स्वत्व होता है ना कि ये मेरा है ना, वो कैसा है? औरस्वत्व नहीं है ना, माने अपने रज बीज से पैदा हुए बेटे के प्रति जो संबंध है वो तो धात्विक संबंध हुआ ना, धा मालिक तुम बन बैठे हो बोला, ये तो छिन जाएगी, रहेगी नहीं, ये जिसकी है भले वो उदार है, ज्यादा दिन तुम्हारे पास रहने दे। हाँ, डॉक्टर लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये 200 बरस रहने लग जाए, 400 बरस रहने लग जाए, और उधर कहते हैं कि आबादी जो है ना वो बढ़ने न पावे। वो कहते हैं कि हम लोग तो बुढ़े हुए 400 बरस जिंदा हुए, लेकिन अब कोई पैदा होकर के 25 बरस का नौजवान ना हो। आने वाली विभूति पर रोक लगाते हैं और ये खूसक लोग ज्यादा दिन जिंदा रहना चाहते हैं, हैं? ये बुढ़े खूसक अपना शरीर छोड़ना ना पसंद नहीं करते ना, बोले हम तो 400 बरस जिए और आने वाला जो है उस पर का बोले कंट्रोल लगा दो प्लानिंग बनती है ना। अरे नई नई विभूतियों को आने दो है ना, नए गांधी आवे, नए तिलक आवे, नए शंकराचार्य आवे, नई नई विभूति आवे, और जो मरते हैं उनको समय पर मरने दो सहज स्वभाव, जो मरते हैं उनको समय पर मरने दो परंतु इस ढंग से तो डॉक्टरों की जीविका नहीं चल सकती यह देह जो है ना, ये देह जो है वो शीर्ण हो रहा है, एक दिन ये बिखर जाएगा, इसकी नाश, इसके इसकी शक्ति ताकत है ना, इसमें जीवनी शक्ति क्षीण होती जाती है, और इसमें जो स्वत्व है वो अभिमानिक है। एक चिड़िया भी देखती है, हम लोगों ने देखा है, वो अपनी आंख से ये बात देखी है, जिस दिन भूकंप आने वाला था सन 31 में, बड़ा भारी भूकंप बिहार में आया था, हम गांव में थे उस दिन है ना, 1 बजे दिन में एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई नहीं थी जिस समय भूकंप आया, सब चिड़िया बिल्कुल अपना पेड़ छोड़ के आसमान में उड़ रही थी, उन्होंने पेड़ छोड़ दिया, वो समझती थी कि भूकंप के धक्के से उनको ऐसा आभास मिल गया था कि शायद जिस पेड़ पर हम रहते हैं वो टूट के गिर जाएगा, और चिड़िया बिल्कुल आसमान में उड़ रही थी, वो पेड़ पर नहीं थी, पेड़ पर बैठी हुई नहीं थी, बोला और भूकंप आया। तो जब एक चिड़िया को आभास मिलता है कि हमारा पेड़ गिरने वाला है तो वो अपना घोंसला छोड़ के उड़ जाती है,
और हम ये जानते हैं कि जिसके अभिमान में हम चूर हो रहे हैं, है ना, ये चमक नहीं रहेगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, ये दांत नहीं रहेंगे, टूट जाएंगे, है ना, और ये महाराज आप देखो संसार में दुश्मन कौन होता है, आदमी समझते नहीं है। हमारे जीने से जिनके स्वातंत्र में और लाभ में कमी रहती है वो चाहते हैं कि ये मर जाए, और हमारे मरने पर जिनको फायदा होने वाला होता है ना, कि ये मर जाएंगे तो हम मालिक हो जाएंगे, तो हमारा सबसे ज्यादा दुश्मन कौन होता है। हमने बच्चों को कहते सुना है अपने बाप के बारे में कि ये मरता नहीं है, है ना, ये दुनिया की रीति है, हो दुनिया की रीति। तो जिस मरने से जिसका लाभ होता है वो चाहता है कि मर जाए, और जिंदा रहने से किसका लाभ होता है, तो आप देख लो, एक आपको एक साधु को आप 5 रुपया दो, एक ब्राह्मण को 5 रुपया दो, तो वो ये सोचेगा कि ये जिंदा रहेगा जजमान हमारा तो 5 रुपया फिर देगा, है ना, और मर जाएगा तो उत्तराधिकार में तो हमको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन बेटा ये सोच सकता है कि ये मर जाएगा तो हमको सब मिल जाएगा। आप देखो दोनों में फर्क है कि नहीं, एक आशीर्वाद देगा कि आप जिंदा रहो, है ना, और एक चाहेगा कि ये न रहे, आंख बजे इनकी तो ले ले। इस सृष्टि की बड़ी लक्षण स्थिति है। वो तो ये जो शरीर में मैंपना है ना, ये जैसे चाम है, हड्डी है, मांस है, पंचभूत का बना हुआ एक स्थूल खाल है, और एक इसमें शक्ति दौड़ती है, और एक इसमें संकल्प रहता है, और एक इसमें शांति रहती है, एक अहम रहता है, अभिमान कर्तापन रहता है, और एक शांति भोक्तापन रहता है। तो ये 5 इसमें कोष हैं, 5 कोष। जैसे देखो हाथ को हिलाना, तो हाथ एक कोष है स्थूल, और इसको हिलाना दूसरा कोष है प्राण, और हिलाने की इच्छा तीसरा कोष है मन, और हिलाने का अभिमान चौथा कोष है मैंने हिलाया, है ना, और हिलाने में सुख मिला कि तकलीफ हुई ये 5वां कोष है। तो ये 5 तहें हैं, हो 5 परत हैं, 5 पर्दे हैं, और इन 5ों में बिजली दौड़ती है, बोला किसकी, आत्मा की। इनमें से पहले को छोड़ के दूसरे में आओ, दूसरे को छोड़ के तीसरे में आओ, तीसरे को छोड़ के चौथे में आओ, है ना, द्रव्य को छोड़ो, ये जो धातु है उसको छोड़ो, क्रिया शक्ति में आ जाओ, क्रिया शक्ति को छोड़ो संकल्प शक्ति में आ जाओ, संकल्प शक्ति को छोड़ो विज्ञान शक्ति में आ जाओ, विज्ञान शक्ति को छोड़ो शांति में आ जाओ, और शांति को भी छोड़ दो तुम उसके साक्षी हो। अगर शांति को पकड़ोगे तो बहुत दुख देगी, क्योंकि शांति हर समय नहीं रह सकती, वो आने जाने वाली है, बोला शांति पतिव्रता नहीं है। तो नारायण ये अपना स्वरूप कौन है, ये 5ों कोष से रह, शरीर माने 5ों कोष, इनमें रह के बिना शरीर का है, खुद शरीर नहीं है। तो अपने स्वरूप के अज्ञान से देह में 5 कोष में अहम भ्रांति हो रही है, तो 5 कोष में जो अहम पने की भ्रांति है उसको छोड़ के अपने अशरीर स्वरूप का अनुभव करो। तुम अशरीर हो, तुम किसी की मां नहीं, बेटी नहीं, बेटे नहीं, तुम किसी के पति नहीं, पत्नी नहीं। गृहस्थों के लिए तो महाराज बड़ा विचित्र है ना, ये संसारी लोग आते हैं तो कहते हैं कि महाराज आप हम सच्ची बात बताते हैं, हम स्त्रियां हमसे बोलती हैं कि महाराज आप पतिव्रता धर्म का कभी उपदेश क्यों नहीं करते हैं, है ना, जरा बेटों को ये क्यों नहीं बताते हैं कि माँ बाप की सेवा किया करो, है ना, आप लोगों को कहो सत्यनारायण की कथा कराया करें, है ना, ऐसे करवा चौथ बीत गई और आपने गणेश जी की पूजा की बात ही नहीं की, करक दान का बात करते कि करवे में सामान भर के, और बड़ा करवा मिट्टी का करवा होता है ना, मिट्टी का करवा,
करवे में सामान भर के ब्राह्मण को दान करो, तुमको बड़ा पुण्य होगा, है ना। तो भाई ये सब काम है तो बहुत बढ़िया, पंडित पुरोहित के हैं, बता ना, ये जो तुम्हारा ब्राह्मण पुरोहित है उसका काम है कि ये उपदेश करे, बहुत अच्छी चीज। संबंध के द्वारा सुखी होने की पद्धति संसार में होती है और संबंध त्याग के द्वारा सुखी होने की पद्धति, कर्म त्याग, भोग त्याग, संबंध त्याग, और संबंध दूसरे से नहीं अपने देह से, जिस देश का, जिस देह का सारे संसार के साथ संबंध है उस देह को मैं और मेरा न समझना। ये देह मेरा है ये भी गलत है, संसर्ग भी नहीं है इसके साथ, और ये देह मैं हूं ये तो नितांत मूर्खता है। और इसी देह के लिए मेरा, इस देह के लिए क्या बोलते हैं, इस देह को बोलते हैं मैं। जैसे पत्थर के टुकड़े को हीरा समझते हैं, अब ये बात जौहरी की समझ में कैसे आ रही है ना, क्यों ये देखो, जैसे जौहरी की समझ में ये बात नहीं आ सकते, पत्थर के टुकड़े का नाम हीरा है बोला, और ये मांस पिंड का नाम शरीर है, कफ बात पित्त के बने हुए जो लौंदे हैं उनको समझा जाता है बेटा बेटी, माँ बाप, न मैं न मेरा, ये मरने के लिए बनते हैं और इनके मरने में दुखी होना बिल्कुल अस्वाभाविक है। तो जो भ्रम है कि ये मैं शरीर हूं, ये भ्रम छूटना जरूरी है कि मैं शरीर हूं और शरीर के संबंधी मेरे संबंधी हैं, अगर ये भ्रम नहीं छूटेगा तो ज्ञानवान कुछ होगा नहीं, है ना। ये नहीं कि कह दो शरीर ब्रह्म है और बेटा ब्रह्म है और नारायण है ना, हाँ, और भोग ब्रह्म है। पहले इनसे तादात्म्य को जब काट दिया जाता है और अधिष्ठान में जब इनको मिथ्या समझ लिया जाता है और अपने आप को ब्रह्म जान लिया जाता है, तब ब्रह्मातिरिक्त कुछ नहीं होता। तब जैसे चींटी चींटे में कोई वो नहीं फर्क नहीं है, वैसे ही पंडित पंडितानी में भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन जहां तक अद्वैत ब्रह्म का बोध नहीं हुआ वहां तक साधन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सब शरीरों में अशरीर अनवस्थे स्ववस्थिता, सारी वस्तुएं जो हैं वो अवस्थानहीन हैं, बोला कोई चीज टिकने वाली नहीं है सृष्टि में। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आती है जाती है, जवानी बुढ़ापा मौत आते हैं जाते हैं। दुनिया पकड़ के रखोगे वो तुम्हारे मित्र के रूप में आया हुआ जो तुम्हारे पूर्व जन्म का शत्रु है ना, वो तुम्हारे सारे संग्रह परिग्रह को छीन ले जाएगा। अनवस्थे स्ववस्थिता, अवस्था रहित जो पदार्थ हैं, अवस्थान रहित अनित्य, तो चाहे शरीर कोई भी हो, स्त्री का, पुरुष का, देवता का, दानव का, पितर का, पशु का, पक्षी का, सब शरीर में एक है अशरीर, नहीं तो आकृति का की जो पकड़ है ना वो नहीं छूटेगी। ये जो अपने में 3.5 हाथ हैं, ये अपने में जो 150 बरस, अपने में जो 1.5-2 मन, अपने में जो नाक ऊंची नाक चिपटी है ना, आंख बड़ी आंख छोटी, ये जो अपने साथ जुड़ गया है ना ये नहीं कटेगा। तो पहले आत्मा को शरीरातिरिक्त जानना, और देव पशु पक्षी मनुष्य आदि शरीर में जो अहमपने की भ्रांति है उसको काटना, अपने निरुपाधिक आत्मा के ज्ञान से उपाधि का तिरस्कार करके जो तुम्हारे पास रखी हुई है और जिसके कारण तुम अपने को वो मान रहे हो। स्फटिक मणि लाल नहीं है ये बात समझना आवश्यक है। तो लाल तो सांसर्गिक है, लालिमा तो सांसर्गिक है, तुम 3.5 हाथ के नहीं हो, वो तो शरीर के संसर्ग से ऐसा मालूम पड़ता है,
तुम 150 वर्ष के नहीं हो, ये तो शरीर के संसर्ग से ऐसा मालूम पड़ता है। तुम 1.5-2 मन के नहीं हो, ये तो शरीर के संसर्ग से ऐसा मालूम पड़ता है। तुम चिपटी और ऊंची नाक वाले नहीं हो, तुम गोरे काले नहीं हो ना, ये तो शरीर को मैं मानने के कारण ऐसा ऐसा भासता है। अनवस्थे स्वस्थिताम, आप किसी को मालूम पड़ा महाराज कि ये शरीर जो है ना, शरीर जितना ब्रह्मा से लेकर के तरण तक शरीर है, कोई छोटा और कोई बड़ा, उससे मैं विलक्षण। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि जो अवस्था है अनित्य है, आने जाने वाली। व्यवहार में आपेक्षिक नित्य यदि कुछ है तो उसका नाम धर्म है, और यदि कूटस्थ नित्य कोई वस्तु है, तो उसका नाम आत्मा है। अपरिणामी नित्य आत्मा है और परिणामी नित्य धर्म है। देखो दिन भर में 1000 भय आते हैं, भय स्थान सहस्राणि, शोक स्थान सपाने च, 100 बार रोने का मौका आता है, 1000 बार डरने का मौका आता है, परंतु ये किसके लिए? तो वही जिसने बंदर की तरह पैसे को पकड़ रखा है। और अपने को इतना बुद्धिमान समझते हैं, पकड़ते आत्मा का हनन करते हैं, पैसे को पकड़ते हैं, कहते हैं कि बेईमानी करने से यदि हमको इतना पैसा मिल जाए तो क्यों न कर लें, ऐसे बोलते हैं। अरे वो पैसा तो चला जाएगा और बेईमानी ऐसी चिपकेगी तुम्हारे साथ, है ना, वो बेईमानी ऐसी चिपकेगी तुम्हारे साथ कि इस जन्म में तो तुमको सुखी होने देगी नहीं, अगले जन्म को भी बिगाड़ देगी। मौत भी शांति से, वो बेईमानी मौत भी शांति से तुम्हारी नहीं होने देगी, रो रो के चिल्ला चिल्ला के मरोगे। तो एक आदमी के घर में 2 ही प्राणी हैं, हो है ना, और उसने कैसे भी बहुत परिश्रम करके, बहुत ईमानदारी बेईमानी करके, है ना, गरीबों से ज्यादा ब्याज लेके, है ना, और धनियों से कम लेके। आप लोग जानते हैं ये ब्याज के सौदे की बात, आप लोग जानते होंगे ना, जितने धनी लोग होते हैं उनसे कम ब्याज लिया जाता है, और जितने गरीब होते हैं उनसे ज्यादा ब्याज लिया जाता है, ये ब्याज का सिद्धांत है। ये ब्याज लेने का ये सिद्धांत है कि गरीब से ज्यादा लो और धनी से कम लो। तो कैसे कैसे बेचारे ने पैसा इकट्ठा किया, हे भगवान। अच्छा आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, कब छिन जाएगा इसका पता नहीं है, कब मर जाएंगे इसका कोई पता नहीं है, लेकिन मनी राम ऐसा पकड़ के बैठे हुए हैं, है ना, कि हाय 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 बस। तो ये सृष्टि, ये शरीर ही है, बोला अनवस्थे स्वस्थित, कल तो रहने वाला नहीं है, अपना आत्मा ही नित्य है वो, और सब अनित्य है। पर लोकांतर गामी आत्मा के साथ धर्म नित्य है, आपेक्षिक नित्य, फलप्रद नित्य, और कूटस्थ नित्य वस्तु के रूप में अपना आत्मा है। जागृत जाती है, सुषुप्ति आती है, सुषुप्ति जाती है, स्वप्न आता है, स्वप्न जाता है, सुषुप्ति आती है। परिवार है ना, ये तो छोटा है, ये जो धरती है ये छोटी है, ये यदि कोटि कोटि ब्रह्मांड है ना, कोटि कोटि ब्रह्मांड, इनकी सारी संपत्ति को तुमको जरूरत पड़े है तो मिल सकते हैं। जमजम कामम मनसा संविभाति, तुम्हारे संकल्प की शक्ति को तुम नहीं जानते हो। सम्राट ने राजकुमार से कहा कि बेटा तुम खिलौने की मोटर के लिए रो रहे हो, खिलौने की मोटर के लिए बेईमानी करते हो, तुम जानते नहीं हो कि तुम लाखों मोटर के स्वामी हो, ये बात तुमको मालूम नहीं है, तुम राजकुमार हो। तो महान तो महान हो तुम, तो महान महत्व भी आपेक्षिक होता है, एक से महान एक, एक से महान एक, एक से महान एक, है ना।
गांव का चौकीदार महाराज गांव में वो रोक जमाता है, कहे हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे थाने में। सिपाही महाराज है ना, थानेदार सुपरिंटेंडेंट, क्या पूछना। अब उसके बाद चले जाओ गृहमंत्री प्रांत का, देश का गृहमंत्री सबसे ऊपर हो गया ना, तो बोले एक से ऊपर, एक एक से ऊपर हुए, एक कौन महान है, चौकीदार महान है कि गृहमंत्री महान है कि प्रधानमंत्री महान है कि राष्ट्रपति महान है। बोले ऐसी महत्ता नहीं है ये, देखो मिट्टी से पानी, पानी से आग, आग से वायु, वायु से आकाश, महानतम विभु, तुम्हारी महत्ता परिच्छिन्न नहीं है, तुम विभु हो, श्वेतर सर्व में अनुस्यूत हो। जैसे तुम रस्सी को चाहे सांप समझो, चाहे माला, चाहे डंडा समझो, चाहे दरार, रस्सी उसमें व्याप्त है। या तो तुम अपने को सांप समझने की मूर्खता करो और या तो अपने को रस्सी समझो, या तो तुम अपने को शरीरधारी परिच्छिन्न अल्पहीन। इस संसार में जो गलती होती है ना वो मन के दोष से होती है ना, मन के दोष। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। वो टॉलस्टॉय की एक कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है। एक गरीब का नियम था कि जितना रोज मिले ना उतना खा पी के खर्च कर देगा। एक दिन उसको एक पैसा ज्यादा मिल गया, अब सब काम रात को हो गया परंतु वो खर्च नहीं हुआ, पैसा बच गया, तो उसने अपनी गांठ में बांध लिया। बोले आज बचा है तो कल अच्छे काम में खर्च करेंगे। अब महाराज अच्छा काम क्या है इसके लिए, उसने पड़ोसियों से दूसरे दिन पूछा, खाता पीता रहा, तो उन्होंने कहा कि एक पैसे के लिए क्या बढ़िया काम है, अरे किसी को दे दो। अरे किसको दे दे, बोले जो गरीब हो तो दे दो। तो पूछने लगा तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, कोई माने ही नहीं। किसी ने कहा जाओ ब्राह्मण पंडित से पूछाओ। पंडित जी के पास गया तो उन्होंने कहा 2 रुपए चाहिए व्यवस्था देने के लिए कि धन का क्या उपयोग किया जाए। बोले हमारे पास तो एक ही पैसा है बाबा, है ना। पंडित जी की उनका जा गरीब को दे दे। इतने में उसने सुना कि एक राजा है और वो दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। क्यों? बोले वहां धन बहुत है लूटने के लिए। उसने कहा कि तब वो गरीब होगा तभी तो लूटने जा रहा है, सेना जाएगी, हजारों लड़ेंगे, मरेंगे, है ना, लोगों को मार के, झूठ बोल के, शोषण करके, सताए के वो लूटना चाहता है तो सचमुच गरीब तो होगा जरूर, है ना। जाके रास्ते में बैठ गया हो और जब राजा साहब का रथ निकला ना तो एक पैसा उठा के उनकी गोद में रख दिया। राजा ने पूछा ये क्या? कहा महाराज बहुत दिनों से खोज थी कि कोई गरीब मिले, नहीं मिला, आज आप मिल गए तो ले लो। मैं गरीब? कर महाराज मैंने सुना है कि तुम पड़ोसी पर आक्रमण करने जा रहे हो, है ना, वहां लोग मरेंगे, रक्तपात होगा, शोषण होगा, है, बेईमानी होगी, अन्याय होगा, झूठ बोलोगे, काय के लिए? कि पैसे के लिए? तो तुम्हारे सरीखा गरीब सृष्टि में, तुम्हारा सरीखा गरीब सृष्टि में और कोई नहीं। अरे उसको ज्ञान हुआ, राम राम, है ना, मैं तो बड़ा भारी अन्याय करने जा रहा था लोभ में, लौट पड़ाओ, सेना को हुक्म दे दिया लौट जाओ। गरीब के एक पैसे ने 2 राष्ट्र के युद्ध को बचा दिया। तो तुम्हारी महत्ता कैसी है इस बात को समझो, तुम सत की आत्मा हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनमें रहने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण विकृति, संपूर्ण कार्य कारण के रूप में भासमान, संपूर्ण दृष्टा दृश्य, संपूर्ण भोक्ता भोग्य, संपूर्ण कर्ता कर्म तुम्हारे स्वरूप में अध्यस्त है, तुम ऐसे महान विभु हो। अरे अपने आप को जानो, बोला आत्मानम मत्वा महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न सोचती। जब बुद्धिमान पुरुष, धीमान पुरुष जान लेता है कि अपना स्वरूप ये है ना, तब शोक क्या उसके पास आवेगा, किसके लिए शोक आवेगा, किसके लिए शोक आवेगा। सीप का जो जानकार है वो उसमें चमकती हुई चांदी के लिए रोएगा? जो सीप का जानकार है
वो सीप में चमकती हुई चांदी के लिए कभी रो नहीं सकता। ये ब्रह्मरूप और सुप्तिका में ये जो विश्व प्रपंच रूप रजत भास रहा है, रजत सीप मह भास जिमी जथा भानु कर बारी, सूरज की किरणों में जैसे मरुस्थल में जैसे ये प्रपंच भास रहा हो, तो जो धीर पुरुष, जो विद्वान, जो बुद्धिमान, जो धीमान जान जाता है अपने को। यहां आत्मा शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया, तो शंकराचार्य ने बताया कि आत्मग्रहणम स्वतो अनन्यत्व प्रदर्शन अर्था, स्व पद का, मैं पद का जो अर्थ है वही यहां आत्मा पद का अर्थ है, ये बताने के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया। आत्म शब्द प्रत्यगात्म विषय एव मुख्य, आत्मा शब्द का अर्थ अपने लिए ही मुख्य होता है, दूसरे के लिए नहीं। आप जैसे हिंदी में बोलते हैं अपना आपा है? अपने लिए, आत्मा के लिए, ये तुम्हारा आत्मा ऐसा है। जब जान जाता है पुरुष मैं ऐसा हूं, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित, अद्वितीय स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान सर्वावभाषक मैं ही हूं, ये जब जान जाता है तब न शोचती नहीं एवं विधस्य आत्मविदः शोकोपपत्ति है। ऐसे एवं विधस्व आत्मविद जो है, इस प्रकार के आत्मा को जो जानता है उसके लिए शोकोपपत्ति नहीं है। अच्छा, तो फिर ये आत्मा का ज्ञान होवे कैसे, जाने कैसे? करे भाई, किसी को दो हीरा पहचानना हो सामने रख ले हैं? तो जब तक दोनों को देखेगा तब तक दोनों को ठीक नहीं पहचानेगा। जब एक को गौर से देखेगा तब एक को पहचान जाएगा, जब दूसरे को गौर से देखेगा तब दूसरे को पहचान जाएगा। एक साथ दो उंगली भी नहीं दिखते हैं और तुम एक साथ प्रपंच और ब्रह्म दोनों को पहचानना चाहते हो, प्रपंच पर से दृष्टि हटाओ तब ब्रह्म की पहचान हो। जब ब्रह्म की पहचान हो जाए तो प्रपंच क्या है, ये तो फल दृष्टि है ना, साधन दृष्टि नहीं है। साधन दृष्टि ये है कि प्रपंच पर से दृष्टि हटाओ, ब्रह्म को पकड़ो। अब ये बात जो साधन का वर्णन आगे आता है, कैसे मिलेगा, तो इसमें तीन मंत्र इस प्रसंग में हैं। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यः, बिना गुरु उपदेश के केवल वेद के पढ़ने से नहीं मिलेगा, माने वेद के साथ साथ अनुभव भी चाहिए। हमने एक बात देखी, शास्त्र पढ़ के ये तो आदमी जान सकता है कि आत्मा और ब्रह्म एक है भला, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जो स्वातंत्र है वे महात्मा पुरुष के सानिध्य के बिना नहीं आता है। ये हम पंडितों को जानते हैं, है ना, साधु पंडितों को, बोला गृहस्थ पंडितों की बात नहीं करते। गृहस्थ पंडित तो वो सब पढ़ लिख के फिर वो मैं मेरे के चक्कर में, है ना, आखिर तो उन्हें फिर बच्चे ही देखने पड़ते हैं, पत्नी संभालनी पड़ती है। अब वो उधर तो विचार करके आए कि आत्मा ब्रह्म है, उधर घर वाली रूठी हुई है तो पांव छूना पड़ता है उसका, प्रणामान तो माना। ये बाण भट्ट जो है, बाण भट्ट एक दिन रात भर अपनी पत्नी को मनाते रहे हो, ये कथा है उनके जीवन में, रात भर प्रणाम मान तो माना, हाँ ये बोलते थे, देवी प्रणाम करने पर तो मान छोड़ देना चाहिए, मैं पांव छूता हूं अब तो खुश हो जाओ, है ना, श्लोक है उनका, है ना। इसी में उनके साले आ गए मुरारी कवि, रात को उन्होंने भी रचना की थी सुनाने के लिए, प्रातः काल हो गया, वो आ गए और वो सुनने लगे कि हमारी बहन कितनी रूठी है और बहनों ही कितने मना रहे हैं। तो पंडित लोगों को तो ये करना पड़ता है, तो उन्होंने फिर ऐसी बात कई बार से ही डट के वो बात कह दी कि बहन तो पानी पानी हो गई। तो ये पंडितों के जीवन की ये बात है, उनको ब्रह्म ज्ञान कैसे हो गए, वो तो रूठे हुए को मनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, है ना। तो साधुओं को देखा, बड़े भारी विद्वान, परंतु सत्संग नहीं किया है? सत्संग नहीं किया महाराज तो सिर ही ठोंकते रहते हैं, ऐसा हो गया, है ना, ये हुआ ये नहीं हुआ। जहां तक जीव मुक्त महापुरुष का सान्निध्य प्राप्त नहीं हो,
तब तक तत्व ज्ञान होने पर जीवन में व्यक्ति से स्वातंत्र कैसा आता है ना, बोध में स्वातंत्र का विकास कैसा होता है, उसको परमानंद बोलते हैं, हो स्वातंत्र को। ये बात जीवन मुक्त पुरुष के सान्निध्य के बिना न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। आचार्य पुरुष, अंतर्यामी पुरुष, साधक पुरुष वर्ण के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं ये प्रसंग आता है।